इस वक्त मैं हूँ कवि नगर में और आगे हम वीडियो में कवर करेंगे वेव सिटी, लेकिन अभी मैं आपको कवि नगर का एरिया दिखा रहा हूँ और वीडियो में बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट बातें, तो वीडियो लास्ट तक बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसलिए देखिएगा लास्ट तक। देखिए इस वक्त ये कवि नगर के बड़े बड़े घर हैं, पॉश लोकेलिटी है गाजियाबाद की, एक पुरानी कॉलोनी है जीडीए की, इसके सामने राजनगर कॉलोनी पड़ती है, वो भी एक काफ़ी प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर मिलते हैं बड़े प्लॉट्स, छोटे प्लॉट्स भी हैं, लेकिन 800 गज 1000 गज के प्लॉट कवि नगर में मिलते हैं। सुंदर मकान, आज ये फैशन है कि पुराना मकान तुड़वा करके नई नई कोठियाँ बनती हैं, तो जितने भी कह सकते हैं अपर लेयर क्रीमी लेयर, वो राजनगर कवि नगर वेव सिटी की तरफ मूव कर रही है। तो क्योंकि वेव सिटी में अभी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लैंड अवेलेबल है रीसेल में, तो इस वीडियो में मैं वेव सिटी के बहुत सारे जो भी सेक्टर्स हैं, देखिए ये कवि नगर में एक कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर शूटिंग रेंज भी है, कवि नगर का कबीर पार्क जहाँ पर DS क्रिकेट एकेडमी है, तो ये कवि नगर का सी ब्लॉक का मार्केट है, काफ़ी फेमस ये यहाँ पर फलों की दुकान है, आइस वर्ल्ड है। तो बता रहा था मैं आपको वेव सिटी के बारे में, बीच बीच में जो भी एरिया आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वेव सिटी में हमारे को मिलते हैं 5-7 सेक्टर स्टार्टिंग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद में वो आएंगे फेज वन में, और एक फेज टू है उसमें शायद 15 या 16 तक सेक्टर हैं। ये कवि नगर का रामलीला ग्राउंड है, अगर आप बिस्किट्स के शौकीन हैं तो ये फ्रंटियर, और ये फिर आ गए हैं हम, चल रहे हैं अभी शास्त्री नगर की तरफ। तो वेव सिटी यहाँ से आप कहें कवि नगर से कितना दूर है, कवि नगर के बहुत ही पास में है, क्योंकि NH-24 जो कि अब जिसका नाम NH-9 है वो भी कवि नगर के पास में है, शास्त्री नगर कवि नगर के पास में NH-9, गाजियाबाद हर तरफ से अब एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हो गया है, तो दिल्ली जाना आसान हो गया है, या फिर आप किसी और जैसे हरियाणा पंजाब हर जगह से अब कनेक्टिविटी, रैपिड रेल से कनेक्टिविटी, मेट्रो से, यातायात बहुत अब आसान हो गया है यहाँ पर, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो गाजियाबाद से आप जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े और अच्छे स्कूल्स हैं, अभी रिसेंटली कल ही मैं कहूँगा कि IPL में सिलेक्शन हुआ है स्वास्तिक चिकारा का, जो कि गाजियाबाद के एक जाने माने क्रिकेटर हैं, तो गाजियाबाद अब एक क्रिकेट की फैक्ट्री भी हो गई है। अब आप कहेंगे कि क्रिकेट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए कोई अपना घर बनाना चाहता है कहीं पर या फ्लैट लेना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि सुविधाएँ देखता है कि क्या पानी की सुविधा है या फिर कनेक्टिविटी सड़कों की सुविधा क्या है, उसके बाद में फिर वो ये देखता है कि जहाँ पर भी वो घर बनाने जा रहा है तो उसके बच्चे के लिए स्कूल कौन सा उपयुक्त है, जैसे स्कूल के पास में ही उसका घर रहेगा या कहीं दूर जाना पड़ेगा। जैसे मेरे अभी एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहीं सोसाइटी में घर लिया था, लेकिन जैसे उनका बच्चा बड़ा हुआ तो उनको वो सोसाइटी चेंज करनी पड़ी क्योंकि उसका कोचिंग सेंटर वहाँ से दूर था। तो अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं कि कहीं आपको घर बनाना है तो उसको ये एकदम से मत सोचिए कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है ये ऐसा, आपको फ्यूचर के लिए भी ये देखना पड़ेगा कि उसकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी, आपकी वर्क प्लेस से उसकी दूरी कितनी है। मान लीजिए कि आपका वर्क प्लेस वहाँ से बहुत दूर है तो क्या वो जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा। इस वक्त हम हापुड़ चुंगी पर, और यहाँ से राइट लेते ही आ जाएगा डायमंड, सीधे सड़क जा रही है ये डायमंड मैरिज हॉल की तरफ, और यहाँ पर चौराहे से हम लेंगे लेफ्ट, फिर हम पहुँच जाएंगे NH-9 की तरफ, बीच में पड़ेगी गोल्फ लिंक सोसाइटी जहाँ पर स्कार्डी के फ्लैट्स हैं, और वहाँ पर प्लॉट्स अब तो अवेलेबल शायद रीसेल में ही हो, तो लैंडक्राफ्ट भी एक सुंदर जगह है, बहुत अच्छे प्राइसेस हो गए हैं, घर वहाँ पे बहुत अच्छे बन गए हैं।
तो लैंडक्राफ्ट को आज कवर नहीं करेंगे। मैं हूं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अक्षत अग्रवाल, और कोई भी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें मैं आपको लेआउट प्लान से वेव सिटी समझाने की कोशिश करूंगा, टेक्निकली समझेंगे कि कौन सा प्लॉट बेटर रहेगा, कौन सा सेक्टर बेटर रहेगा। वेव सिटी एक प्राइवेट कॉलोनी है, उसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर कोई मेंटेनेंस एजेंसी लगी हुई है, इसलिए वहाँ का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, जैसे सड़कें बहुत अच्छी हैं। देखिए, वीडियो बना रहा हूँ मैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, लेकिन कोई भी फैक्ट्स हो सकता है वो सही नहीं हो, तो आपको अपने एंड पे उसको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप उसको टेक इट ग्रांटेड मान लें। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर फ़ायदा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने बोल दिया तो टेक इट ग्रांटेड वहाँ फ़ायदा होगा ही। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हम बढ़ रहे हैं इस फ्लाईओवर की तरफ जो कि जाएगा NH9 पर। इस फ्लाईओवर को पार करते ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर लैंडक्राफ्ट पड़ेगा, जहां पर बन रहे हैं ATS के फ्लैट। तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, फ्लैट खरीदना चाह रहा है, तो वो अपने हिसाब से गाजियाबाद को लोगों ने टारगेट कर रखा है। NCR में, दिल्ली NCR में जो गाजियाबाद के आसपास के एरिया हैं, तो लोग गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारी क्रिकेट एकेडमीज हैं, यहाँ पर फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, यहाँ की कोचिंग, RDC एक कोचिंग हब है, तो यहाँ पर जो भी फैसिलिटी है बहुत अच्छी स्तर की फैसिलिटी मिल रही है। देखिए, लैंडक्राफ्ट तो आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा देश के लिए क्रिकेट खेले, IPL में खेले, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गाजियाबाद मूव करके यहाँ पर। देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये लैंडक्राफ्ट की हैं, और ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है ये ATS की है। तो किसी भी बजट में आप यहाँ पर अपने बजट के हिसाब से 1 BHK के फ्लैट मिल जाते हैं आपको आदित्य वर्ल्ड सिटी में, क्योंकि 20 लाख रुपए में मिलते हैं अर्बन होम्स में। तो यहाँ पर वो क्राइटेरिया नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं तब भी मूव करिए, नहीं है तब भी मूव कर सकते हैं। ये बैंक्वेट हॉल्स बने हुए हैं यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं ATS का क्लोज व्यू। इधर से लेफ्ट में रास्ता गया है, देखिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये लैंडक्राफ्ट सोसाइटी का रास्ता था। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है गाजियाबाद में। शिखा सहलोत UP की टीम में खेल रही हैं क्रिकेट, महिला क्रिकेट टीम में शिखा और रेखा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, सुदीप त्यागी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में थे, इंडिया के लिए भी खेले हैं, और सुरेश रैना को तो सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत ही जल्दी आप डिसाइड करना है आपको, तो आप देख सकते हैं कि GPS से कहाँ पे आपका वर्क प्लेस है। कहीं भी जाने के लिए ये एक सेंट्रली लोकेटेड जगह है, अगर हम माने तो एक्सपर्ट्स का माने, उसमें मैं भी एक एक्सपर्ट कह सकते हैं आप मुझे भी, तो प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पर इतने बढ़ जाएंगे कि लोग ये सोचेंगे कि क्या हम खरीदें, फ्लैट खरीदें, प्लॉट खरीदें। प्लॉट तो खरीदना अब एक असंभव सा होता जा रहा है। आ गए हैं इस वक्त NH9 पर। ये देखिए मेहरोली आदित्य वर्ल्ड सिटी के लिए, ये गोल्फ लिंक का मेन गेट है जो मैं आपको दिखा रहा था लैंडक्राफ्ट, तो ये गोल्फ लिंक्स है। बहुत सुंदर सोसाइटी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोई भी प्लॉट लेना चाहिए आपको, अगर आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो आप उसमें पैसे की इतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है जितनी की प्लॉट में होती है। जैसे कि आप वर्किंग हैं, तो आपके मन में आया कि हम फ्लैट ले लेते हैं, EMI से हमारा वो हो जाएगा, तो आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन ले सकते हैं, किसी को विद मटेरियल भी दे सकते हैं बनाने के लिए, या आप हमारा घर बना दीजिए। तो प्लॉट में प्राइसेस का एस्केलेशन होता है, फ्लैट में इतना नहीं होता है, होता है लेकिन इतना नहीं होता है। तो अब ये मैं चल रहा हूँ NH9 पर, और जो पहला कट आएगा वहां से मैं राइट लूंगा अंडर पास से आदित्य वर्ल्ड सिटी की तरफ। आदित्य वर्ल्ड सिटी
और वेव सिटी दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको वेव जाना है तो इसी में और आगे बढ़ेंगे तो जैस्मीन ग्रूव के अपोजिट वेव पड़ेगा, याद रखना है जैस्मीन ग्रूव सोसाइटी के अपोजिट वेव पड़ता है। ये एंट्री गेट है आदित्य वर्ल्ड सिटी का। वेव सिटी का एरिया शायद मैं कहूंगा काफी बड़ा है, आदित्य वर्ल्ड सिटी का थोड़ा एरिया छोटा है, लेकिन अपने आप में बहुत वैल्यूएबल जगह है आदित्य वर्ल्ड सिटी। वीवीआईपी नमहा, इधर पार्क टाउन, ये एरिया भी आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंडर आता है। आदित्य वर्ल्ड सिटी और वेव सिटी दोनों प्राइवेट बिल्डर की हैं, लेकिन जो मधुबन बापूधाम, कविनगर, लोहिया नगर या और कॉलोनीज हैं वो जीडीए की है। तो जीडीए में आपको वन टाइम ही मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ रहा है फिलहाल, लेकिन वेव सिटी और आदित्य में आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से वो फैसिलिटी भी दे रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जीडीए अपनी जो कॉलोनीज हैं जैसे मधुबन बापूधाम है उनको नगर निगम को हैंडओवर कर देगा, तो नगर निगम उनका डेवलपमेंट करेगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ये मधुबन बापूधाम कब डेवलप होगा, कब यहाँ मकान बनेंगे। जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई मॉल वहां पर स्टार्ट हो। अब देखिए ये वेव सिटी में एक मॉल बन रहा है, ये मैं पीछे के गेट से आया हूँ। दो एंट्री है, जैस्मीन ग्रूव के सामने दूसरी है, ये जो एंट्री पड़ती है ये आदित्य वर्ल्ड सिटी के सामने पड़ती है। देखिए यहाँ लिखा है वेव सिटी और उसके सामने वहां पर वो आदित्य वर्ल्ड सिटी है। तो ये गेट नंबर 3 से मैं एंटर हो रहा हूँ, वेव सिटी का गेट नंबर 3। ये 24 मीटर वाइड रोड है जो कि सीधे चली जाएगी वेरिडिया पर। लग्जरी फ्लैट्स हैं, लोगों ने बुकिंग कर दी, रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के रेट कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। आप जिस एरिया में रह रहे होंगे वहाँ भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ इतना फर्क है कि आपको अपनी तिजोरी में से रुपये निकाल करके प्लॉट में या फ्लैट में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके पास तिजोरी नहीं है तो लोन मिलेगा आपको। तिजोरी नहीं भरी हुई है तो सरकार की तिजोरी का यूज़ करिए, लोन लीजिए, प्लॉट लीजिए, कंस्ट्रक्शन करवाइए और फिर आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। गाजियाबाद की तरफ फ्लो बढ़ रहा है क्योंकि बड़े शहर की तरफ लोग मूव करते हैं। वेव सिटी का सेक्टर 2, अब यहां पर क्या करा है, सेक्टर्स के इन्होंने नाम रख दिए हैं, जैसे पाइन वुड एनक्लेव। पाइन एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी उसके नाम पे रखा है, बड़ी सुंदर लकड़ी होती है। तो ये देखिए, अभी जब मैं एंटर हुआ था NH 24 से, तो मैं इस सड़क से आया था, इसकी चौड़ाई थी 45 मीटर वाइड। यहाँ पर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही थी, आप वीडियो बैक करके भी देखेंगे तो ये कॉमर्शियल बिल्डिंग आपको मॉल या कुछ भी बनता हुआ नज़र आएगा। उसके बराबर से मैंने यहाँ से गेट नंबर 3 से मैंने एंट्री ली और फिर ये 24 मीटर वाइड रोड पर, ये अब मैं इस वक्त 24 मीटर वाइड रोड पर हूँ। तो ये जो 24 मीटर वाइड रोड है, ये 45 और ये 57, ये कौन सी रोड है, ये जो जैस्मीन ग्रूव के सामने से आएगी, जो मेन वेव सिटी का एंट्री गेट है, ये वहाँ से ही आ रही है 57 मीटर की। यहाँ पर वेरिडिया के फ्लैट हैं, तो ये 24 मीटर वाइड रोड बहुत बढ़िया सड़क है। अब देखिए यहाँ पर प्लॉट्स हैं, इस वक्त हम सेक्टर 2 देख रहे हैं। ये है 24 मीटर वाइड रोड जो कि सीधे उधर आप सामने देख रहे हैं, वो वेरिडिया के फ्लैट है, सुपर लग्जरी, इसको लग्जरी मत बोलिएगा, सुपर लग्जरी। ये है 57 मीटर रोड, तो 45 मीटर और 57 मीटर, बीच में 24 मीटर, देखिए ये 45 मीटर, बीच में 24 मीटर, फिर 57 मीटर। अब इस वक्त मैं यहां पर हूं, ये वेरिडिया के फ्लैट है, ये देखिए ये वेरिडिया के फ्लैट है। आगे चलेंगे इस 57 मीटर रोड पर तो लेफ्ट हैंड में पड़ेगा सेक्टर 3, 135 लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है
देखिए ये वेरिडिया का मास्टर प्लान है। ये 57 मीटर रोड, इस पर वेरिडिया में 5 टावर हैं, आप पढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5। पार्क 3 है, एंट्री गेट है, क्लब है, आउटडोर स्पोर्ट्स है। देखते हैं वेरिडिया की टावर 1, फिर ये टावर 2 है, फिर ये टावर 3 है, फिर ये टावर 4 है, और ये टावर 5 है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी टावर में आप चाहते हैं। देखिए, अगर आपको रोड के साइड में चाहिए तो ये वाले हैं, ये पार्क के पास में हैं, ये पार्क के पास में, जैसे ये 11 और 10 नंबर, ये पार्क फेस हो गए। वेव सिटी बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए लोगों को पसंद आता है। देखिए सड़कें, देखिए ये सेक्टर 3 में इधर सड़क मुड़ रही है, इसका नाम है किंग वुड एनक्लेव। 3 3 को राजा बोलिए। सेक्टर 3 बहुत ही प्रीमियम मानते हैं लोग यहाँ पर, क्यों मानते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कभी। वैसे तो सारे ही सेक्टर अच्छे होते हैं, सब पास पास हैं तो, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए क्योंकि इसको सबसे अच्छा मानते हैं, तो किंग के नाम से, किंग वुड एनक्लेव। ये सेक्टर 3 का लेआउट प्लान है। ये 57 मीटर रोड के बराबर में ये कॉमर्शियल है, ये पार्क देखिए, बीच में 45 मीटर वाइड रोड जा रही है। अब देखो, अगर ये 45 मीटर पे प्लॉट मिल जाए बहुत बढ़िया, जितनी चौड़ी सड़क पे प्लॉट होता है वैल्यूबल है। लेकिन पार्क फेस प्लॉट की भी वैल्यू है। देखिए, पार्क फेस प्लॉट के सामने 9 मीटर की सड़क है, ये 12 12, बीच में 12 मीटर की सड़क दी गई है प्लॉटों के बीच में, लेकिन पार्क के सामने 9 मीटर दी हुई है। प्लॉट में घर बनाने का आनंद ही एक अलग होता है। यहाँ पर छबीलदास का स्कूल आ रहा है और यहाँ पर कॉमर्शियल है कार्यान के नाम से। तो वेव सिटी की एक है ब्यूटी, वेव सिटी माने ब्यूटी। कौन सी ऐसी कॉलोनी है गाजियाबाद में जहां पर आपको कॉलोनी में 57 मीटर की रोड मिल रही है? ये एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे बहुत सारा कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, और यहाँ का स्पोर्ट जोन बहुत फेमस है, उसके अंदर बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है। एलिगो के फ्लैट्स बन रहे हैं, फ्लैट एलिगो के नाम से यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं। ड्रीम होम्स, एक बहुत ही फेमस सोसाइटी, मेन 57 मीटर रोड पर। देखिए कंस्ट्रक्शन जोरों पर है यहाँ पर। यहाँ पर कस्टमर की फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं कि जो कस्टमर है उसको एकदम अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी। इसमें भी क्लब हाउस है, आप मेरे और भी वीडियोस हैं उसमें अगर आप टाइप करेंगे, जैसे ड्रीम होम फ्लैट्स, इंजीनियर अक्षत अग्रवाल मेरा चैनल का नाम है, तो उसमें आप टाइप करेंगे तो उसमें आपको लिखना होगा ड्रीम होम फ्लैट्स अक्षत अग्रवाल, तो आ जाएंगे, क्योंकि और लोगों के भी वीडियोज़ होते हैं। ये संचार नेस्ट के नाम से सोसाइटी है, बिल्कुल ड्रीम होम्स के सामने। तो ड्रीम होम का जो मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर फ्लैट है, क्लब हाउस है यहाँ पर। अब इसके जस्ट ड्रीम होम के बराबर से जब हम मुड़ जाते हैं तो हमें मिलता है सेक्टर 5, और यहाँ पर देखिए बन रहा है इस्कॉन टेम्पल। यहीं से आपको टर्न करना है जस्ट ड्रीम होम के बराबर से अगर आपको जाना है सेक्टर 5। यहां से मैं आ रहा था 57 मीटर रोड से, ये ड्रीम होम के फ्लैट्स थे, फिर अब इसके बीच में मैंने 24 मीटर से टर्न किया है। तो 24 मीटर से जब टर्न करते हो तो यहां पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, यहां पर नाइफल है, ये एक एरिया है। अब इस 24 मीटर से जब आप इधर टर्न होंगे तो यहां पर देखिए ये 12 की रोड है, सड़कें चौड़ी दी हैं इसमें नो डाउट। यहां पर आकर के ये देखिए 85 से लेकर के 100 नंबर तक ये 330 गज के प्लॉट हैं, इनके सामने 12 मीटर की सड़क है, और ये ड्रीम होम के फ्लैट हैं, यहाँ पर ड्रीम होम के फ्लैट्स हैं। तो देखिए ये प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं, मैं इनको अच्छा क्यों कहूँगा, अभी तक लोग इनको ये अच्छे इसलिए हैं क्योंकि देखिए आपके प्लॉट के सामने किसी का प्लॉट नहीं है, आपको पार्किंग स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। अपनी अपनी कैलकुलेशन है, देखिए कुछ लोग पार्क फेस को भी अच्छा बोलते हैं, तो पार्क फेस भी प्लॉट अच्छे हैं। देखिए
ये पार्क है, लेकिन पार्क पे 9 मीटर की रोड मिलती है, ये प्लॉट्स पर 12 मीटर की रोड मिलती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स हैं, ये भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैंने वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स का वीडियो बनाया था, बहुत ही सुंदर यहाँ पर पार्क हैं। एलिगो के फ्लैट्स का भी वीडियो बना हुआ है, वो भी देखिएगा आप। लेकिन जो ये एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स का पार्क है, ये तो बहुत ही बढ़िया पार्क है। तो अगर आप कहीं फ्लैट या प्लॉट लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको अपने यूजेज के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी देखेंगे 85 नंबर से 100 नंबर तक का जो प्लॉट है, उस बेल्ट को देखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये 85 नंबर है, ये 100 नंबर है। इस बेल्ट को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और ये 319 से 328 है। तो इसको देखेंगे कि ये मौके पर प्लॉट्स अभी कैसे हैं। तो ये वो सड़क है, देखिए ये सड़क है जिससे मैंने अभी टर्न लिया है। ड्रीम होम फ्लैट्स के जस्ट बराबर में ये सड़क गई है। ये सेक्टर 5 है, सेक्टर 5 में हमारे को लो राइज भी मिलता है। लो राइज मतलब कि पहले से कंस्ट्रक्टेड है, गेटेड, तो प्लॉट भी है और लो राइज भी है। इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई है, देखिए। ये 12 मीटर वाइड रोड है, बहुत चौड़ी सड़कें हैं, खुला खुला वेव सिटी। जस्ट सामने बिल्कुल जहाँ टंकी है उसके पास में क्लब हाउस है, लिखा भी हुआ है हरे रंग से, यहाँ से विजिबिलिटी नहीं आ रही है। ये है 85 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की बेल्ट, कितना सुंदर घर बन गया है यहाँ पर। अगर मैप में हम देखते हैं तो उसी हिसाब से ये घर शायद 68 नंबर होना चाहिए। फिर ये सड़क गई है अंदर, देखिए ये सड़क जा रही है, फिर उसके बाद में 85 नंबर का प्लॉट है। ये है जस्ट ड्रीम होम के ये फ्लैट हैं, ये वॉल है, इसके सामने 12 मीटर की रोड है और फिर ये 85 से 100 नंबर के प्लॉट हैं, 330 गज के ये प्लॉट हैं। ड्रीम होम फ्लैट्स में पार्किंग है, ये देखिए सब चीज़ वेव की स्टाइल में है। 1 BHK का फ्लैट मिलेगा ड्रीम होम्स में, 2 BHK का मिलेगा और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है 3 का भी हो। ये सेक्टर 5 ही में ही है हम इस वक्त और घर बहुत सुंदर मिलते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े घर बना रहे हैं लोग।